It is sir, please. ए उग्रवादी बोले भी तू आगे भी खड़ा होगा ये बता रहा हूँ ए उग्रवादी जी प्लीज सिट डाउन आतंकवादी है उग्रवादी टेक योर सीट ये मुल्ला आतंकवादी है बिदुरी सर क्यों ले रहे भरे सदन में सांसदों के बीच विरोधी दल के खिलाफ अपशब्द बोलते ये बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी है। रमेश भिदुड़ी सदन की कार्यवाही के दौरान मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को अपशब्द कह रहे थे। इसके बाद सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। बहस के दौरान टोकने पर भिदुड़ी ने दानिश अली को उग्रवादी और आतंकवादी तक कह दिया। ए उग्रवादी बोले भी तू आगे भी खड़ा होगा ये बता रहा हूँ ए उग्रवादी जी प्लीज ये आतंकवादी है उग्रवादी टेक योर सीट ये मुल्ला आतंकवादी है भिदुड़ी सर दरअसल ये पूरा वाक्य उस दौरान का है जब कल लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर चर्चा हो रही थी। कुछ विपक्ष के सांसदों ने चंद्रयान 3 का श्रेय पीएम मोदी को देने पर सवाल उठाया था। रमेश भिदुड़ी कह रहे थे कि देश में जो एम्स और दूसरे संस्थान बने हैं वो देश के लोगों ने बनाए हैं, तो फिर सब एक परिवार के नाम पर क्यों है। ऐसे ही चंद्रयान की सफलता का श्रेय पीएम मोदी जी को देना चाहिए, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। इस पर जब दानिश अली ने बीच में टोका तो रमेश भिदुड़ी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें उग्रवादी और आतंकवादी तक कहने लगे। रमेश भिदुड़ी की इस वीडियो को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। रमेश भिदुड़ी की विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बीजेपी सांसद विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा सहित कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे बयान पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, विपक्ष का कोई नेता बोले तो निलंबित कर बाहर कर दिया जाता है। सुनिए इस बीजेपी सांसद की भाषा। बीएसपी सांसद दानिश अली को सदन के अंदर आतंकवादी कह रहा है। देश संविधान और संवाद से चलेगा, दादागिरी से नहीं। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुसलमानों और ओबीसी को गाली देना बीजेपी की संस्कृति का अभिन्न अंग है और ज्यादातर को अब इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता। महुआ मोइत्रा ने तंज कसते हुए लिखा, मर्यादा के रखवाले माननीय ओम बिरला, विश्वगुरु नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कोई कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की ओर से ट्वीट करते हुए लिखा गया, पीएम मोदी क्या आपने अपने सांसद रमेश भिदुड़ी का यह बयान सुना। वो एक दूसरे सांसद को उसके धर्म के आधार पर ऐसी गालियां दे रहे हैं जो यहां लिखी नहीं जा सकती। पूरा विश्वास है आपने सुना ही होगा और अब आप इनका प्रमोशन जरूर कर देंगे। आपको बता दें कि जब रमेश भिदुड़ी इस तरह की आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे तो उनके पीछे बैठे बीजेपी के सांसद हर्षवर्धन उन्हें समझाने और रोकने की जगह हंसते हुए नजर आए। हालांकि बाद में विपक्ष के भारी हंगामे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके लिए सदन में खेद जताया और बाद में संसद टीवी की ओर से रमेश भिदुड़ी के भाषण को हटा लिया गया। सर ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री।